नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सीवर लाइन बिछाने में की जा रही गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री से की गई शिकायत। सीवर लाइन बिछाने में बड़े पैमाने पर की जा रही गड़बड़ियों से आम जनमानस को हो रही परेशानी। बलरामपुर नगर में बिछाई जा रही सीवर लाइन में हो रही गड़बड़ी से आम जनमानस को काफी दिक्कतें हो रही हैं। सीवर लाइन बिछाने के नाम पर बस खाना पूर्ति की जा रही है, जिसको लेकर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में बताया गया है कि कार्यदायी संस्था द्वारा बिना एक मोहल्ले का कार्य पूर्ण किए दूसरे मोहल्ले का कार्य शुरू कर दिया जाता है। पूरे नगर में सड़क को खोद दिया गया है, इससे आवागमन बाधित हो रहा है। पानी भरने से कीचड़ भी हो जा रहा है कि बिना मानक के कार्य किया जा रहा है। कई मोटी कई पतली पाइप डाली जा रही है, कोई सुपरवाइजर भी नहीं है उपस्थित रहता है और न ही संबंधित संस्था का कोई व्यक्ति उपस्थित रहता। शिकायत करने पर अधिकारियों द्वारा लीपापोती करके प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाता है, इससे सरकार की छवि को नुकसान पहुँच रहा है। पत्र में मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। रामपुर नगर को योगी जी ने बहुत बड़ा सौगात दिया था सीवर लाइन का, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा और अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण पूरे नगर में अफरा तफरी का माहौल है। खुदाई करके और वैसे छोड़ दिया जाता है, पाटा भी नहीं जाता, तमाम गड्ढे हो गए, स्कूली बच्चे परेशान हो रहे, गिर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई बार अधिकारियों से कहा गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी बलरामपुर को इस संदर्भ में कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है।